श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, नाम रहित तथा मन और नेत्र आदि छह ज्ञानेंद्रियों से अगम्य होने के कारण आकाश से भी सूक्ष्म चिन्मात्र परमात्मा ही अणु शब्द से कहा गया है। अणु के भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंदर अज्ञानियों की दृष्टि से सत सा और ज्ञानियों की दृष्टि से असत सा स्थित हुआ यह जगत बीज के भीतर वृक्ष की सत्ता के समान स्फुरित होता है। संपूर्ण वस्तुओं की सत्ता वास्तविक सत्ता के अधीन है, उसको यदि और किसी के अधीन माने तो भूल होगी। अतः स्वतः सिद्ध वास्तविक सत्ता से ही सबकी सत्ता है। यह परम आकाश रूपी परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण नेतेंद्रिय का विषय नहीं है। सर्वात्मक होता हुआ भी वह मन सहित पांचों इंद्रियों से अतीत होकर स्थित है, अतः अणु का भी अणु है। सर्वात्मक होने के कारण ही वह कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह है नहीं है ऐसा कहने और मनन करने वाला पुरुष आत्मा ही तो है, फिर उसकी असत्ता कैसे कही जा सकती है? किसी भी युक्ति से यहां सत वस्तु की असत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती। जैसे कपूर अपनी सुगंध से प्रतीत होता है, वैसे ही सर्वात्मा सर्वव्यापी रूप से अनुभव में आता है। अणु का भी अणु चेतन परमात्मा ही सब कुछ है। मन और इंद्रियों की वृत्ति से नानात्व की प्रतीति होने के कारण मरह परिच्छिन्न रूप से ही वह सर्वात्मक है, और इंद्रियातीत होने के कारण वह निर्मल परमात्मा नित्य सत्तावान होकर भी कुछ प्रतीत नहीं होता, इंद्रियों का विषय नहीं होता। वही एक है और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में आत्मा रूप से अनुभूत होने के कारण अनेक भी है। वही अपने संकल्प से इस संपूर्ण जगत को धारण करता है, अतः जगत रूपी रत्नों का कोष भी वही है। जैसे जिसका मुंह बंद है, ऐसे घड़े को अन्य देशों में ले जाने पर उसमें स्थित आकाश का गमन और आगमन नहीं होता, उसी प्रकार देह रूपी उपाधि के गमन आगमन से आत्मा का गमन आगमन नहीं हो सकता। चिन्मय परमात्मा अपनी चेतन से सूर्य आदि के प्रकाशक का भी प्रकाशक है, और महाकल्प के प्रलयकालीन मेघों से भी वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश रूप एवं अविनाशी है। वह सचिदानंद घन पर ब्रह्म नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह अनुभव रूप हृदय मंदिर को प्रकाशित करने वाला, सबको सत्ता देने वाला अनंत और परम प्रकाश रूप बताया गया है। आकाश आदि देश, काल और क्रिया आदि की सत्ता एवं जगत उसी ज्ञान रूप परमात्मा में प्रतीत होते हैं। वही सबका स्वामी, कर्ता, पिता और भोक्ता है। वास्तव में परमात्मा होने के कारण उसका किसी से भी कुछ भी संबंध नहीं है, न निमेश है, न कल्प है, न सामीप्य है और न दूरी ही है। चेतन परमात्मा का संकल्प ही अन्यान्य वस्तुओं के रूप में स्थित है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रकार जगत के मिथ्यात्व का उपपादन करने वाले न्यायों, युक्तियों की बारंबार भावना रूप अभ्यास के द्वारा निर्मल हुए मन से जिसने पारमार्थिक वस्तु ब्रह्म का दर्शन कर लिया है, उस पुरुष की अविद्या का नाश हो जाने के कारण चिदाकाश में उसे फिर संसार की प्रतीति नहीं होती। जैसे बीज के भीतर स्थित हुए वृक्ष की सत्ता अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आकाश के तुल्य है, उसी तरह ब्रह्म के भीतर स्थित हुए जगत का परमात्मा साक्षी है। इसलिए जगत का साक्षी से पृथक प्रतीति न होने के कारण सचिदानंद रूप से ही उसकी स्थिति है। शांत, सर्वात्मक, जन्म रहित, अद्वितीय आदि
और मध्य से शून्य, निर्द्वंद्व, माया के कार्य से रहित, जगत रूप में नाना सा प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में एक विशुद्ध ज्ञान रूप, ज्ञान स्वरूप, अजन्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। उसमें किसी प्रकार की कोई कल्पना किसी तरह भी संभव नहीं है। जगत की प्रतीति का अभाव ही जिस परमात्मा के स्वरूप का परम अनुभव है। संपूर्ण संकल्पों का त्याग ही चित्त के द्वारा जिसका संग्रह चिंतन है, जिसके संकोच से संसार का प्रलय और विकास से उसकी सृष्टि होती है, जो वेदांत वाक्यों का परम तात्पर्य एवं वाणी का अविषय है। यह चराचर जगत जिसकी चिन्मयी लीला है तथा विश्व रूप होने पर भी जिसकी अखंडता कभी खंडित नहीं होती, वही सन्मात्र शाश्वत ब्रह्म कहा गया है। वह अणु से भी अणु परमात्मा अपने संकल्प से वायु होता है, किंतु उसकी वह ब्रह्म रूपता भ्रांत दृष्टि मूलक है। अतः वास्तव में वह वायु आदि कुछ भी नहीं है, केवल शुद्ध चेतन ही है। वही परमात्मा शब्द के संकल्प द्वारा शब्द बनता है, किंतु उसकी शब्द रूपता का दर्शन ब्रह्म मूलक है। किंतु उसकी शब्द रूपता का दर्शन ब्रह्म मूलक है, वास्तव में तो वह शब्द और शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत दूर है। उस परमात्मा की प्राप्ति के सैकड़ों साधन हैं, उसे प्राप्त होने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। वही परम प्राप्तव्य है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है।